बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रात से सोमवार 18 दिसंबर और आने वाले मज़ीद 4 से 5 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, शदीद धुंध सर्दी की मौजूदा सूरत हाल क्या होगी और 22-23 दिसंबर से मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के ज़रिए सर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाज़िर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आज रात से सोमवार 18 दिसंबर और आने वाले मज़ीद 2 से 3 रोज़ के दौरान भी 21 दिसंबर तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद ठंडा रहेगा। सुबह पंजाब, सुबह सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में शदीद खतरनाक धुंध पड़ने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहेगा। तहम मतलब 2 से 3 रोज़ बाद 22-23 दिसंबर यानी आने वाले जुम्मा हफ्ता को बहर अरब से मुल्क में दाखिल होने वाले नए ताकतवर मगरबी सिलसिले के जेर असर कराची समेत सुबह सिंध के बहुत सारे इस्लामी शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और कश्मीर के बल्तिस्तान समेत बालाई और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी गहरे बादल आने और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की से दरमियानी बारिश, कहीं सिर्फ बूंदाबांदी, कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, कहीं सिर्फ बादल छाए रहने, झालाबारी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। मतलब 22-23 दिसंबर वाले सिलसिले की खास बात यह है कि इस सिलसिले के जेर असर मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में कुछ ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। तहम ज़्यादा बारिशें बरसाने वाले मुल्क की मगरबी सिलसिले जनवरी के पहले 10 दिनों के दौरान मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है।